गाइस, वेलकम टू एमकेएस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में जो है मैं केस नंबर 4 बताने वाला हूँ, स्पेशल केस। तो चौथा देखो अपना केस कौन सा थॉटलिंग डिवाइस है, ये होता क्या देख लो। ये जो डिवाइस होता है बेसिकली कैसा होता है, फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपन्ड वॉल्व, फ्लो थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग ओरिफाइस। किसी में भी जैसे कोई पार्शियली ओपन्ड वाला कोई वॉल्व होगा, ठीक है, या फिर कोई स्मॉल ओपनिंग होगा जिसमें फ्लो हो रहा है, उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, थॉटलिंग डिवाइसेस। इसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिवाइस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन ये जो आपको मैं डेफिनेशन बताया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थॉटलिंग, ठीक है। तो पहला देखो क्या होगा, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, ठीक है। थॉटलिंग डिवाइस में जो W होता है वो अपना क्या होगा, जीरो होगा। देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन द केस ऑफ थॉटलिंग डिवाइस। नंबर टू, देयर इज नो हीट ट्रांसफर, ठीक है। उसमें क्या है, आपको कोई हीट ट्रांसफर भी उसमें नहीं होगा। थर्ड देखो क्या है, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो कैसा अपना होता है, इरिवर्सिबल होता है। और जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसको IMP लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यही जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है थॉटलिंग का, वो हर जगह काम आने वाला है। तो देखो ये क्या होगा, थॉटलिंग डिवाइसेज जो होती है वो क्या होती है, आइसन थैल्पिक प्रोसेस होता है, ठीक है। देखो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। एंथैल्पी मतलब होता है, देखो अपन उसको एच से डिनोट करते हैं कि एंथैल्पी को, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इनलेट होगा उसके एंथैल्पी क्या होगा, आउटलेट के एंथैल्पी से क्या होगा, मैच करेगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक बताया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं उसको अपन, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अपन यहाँ पे ध्यान रखते हैं थॉटलिंग डिवाइस का। तो पहले देखो अपना क्या होगा, देर इज नो हीट ट्रांसफर, देर इज नो वर्क ट्रांसफर, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और लास्ट में जो पॉइंट लिखा हूँ ये अपना सबसे की पॉइंट है, दैट इज आइसन थैल्पी प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होगा आपका, एंथैल्पी जो होगा क्या होगा आपका, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो आगे की वीडियोज में आप देखेंगे कि स्टडी फॉर एनर्जी इक्वेशन का कुछ और भी इक्वेशन हैं जिसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।